दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट फॉल को लेकर, जिसको स्वप्न दोष या धात भी कहा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि नाइट फॉल क्या होता है, कब ये समस्या बनती है और समस्या है तो इसके क्या उपाय हैं। बस वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। पर यार अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि नाइट फॉल होता क्या है। रात में कभी भी आपका सोते हुए आपके शरीर से वीर्य का पतन होना, वीर्य का निकल जाना ही नाइट फॉल कहलाता है। दोस्तों इसी को स्वप्न दोष कहा जाता है या दहत कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये एक बीमारी नहीं है स्वप्न दोष, इसके बरक्स ये एक नेचुरली इवेंट होती है। लेकिन अगर महीने में ये एक से दो बार होता है तब ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, तब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यदि हफ्ते में ये दो से तीन बार ये हो रहा है तब इस पर आपको सोचने की ज़रूरत है, तब ये एक समस्या बन सकती है और इसका इफ़ेक्ट हमारी मैरिज लाइफ और आपकी बॉडी पर पड़ता है। तो दोस्तों इसके क्या क्या रीज़न हैं, किस वजह से ये होता है, इस बारे में हम बात करेंगे और उनको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं उनके रीजन्स के बारे में कि वो क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इसके सबसे पहले रीज़न की बात करते हैं, वो सबसे पहला रीज़न ये है कि रात का खाना। दोस्तों रात का खाना हमने ज़्यादा खा लिया है और खाना खाने के तुरंत बाद हम सो जाते हैं, तो एक रीज़न ये है कि जिसकी वजह से नाइट फॉल होता है। तो हमें इससे कैसे बचना है कि रात का खाना और सोने में हमें कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम होना चाहिए। सोने से पहले 3 घंटे या 2 घंटे पहले आपको डिनर करना है और खाने में आपको हल्का लेना है, ज़्यादा खाना नहीं खाना है और आपको अपने खाने में डाइट का बहुत ध्यान रखना है। आपको गर्म चीज़ों का यूज़ नहीं करना है और अपने डाइट में सलाद ज़्यादा लें और ठंडी चीज़ों को जैसे कि दही छाछ वगैरह इनका इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसके दूसरे रीज़न की बात करते हैं, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि रात को सोने से पहले यूरिन पास ना करना। क्योंकि दोस्तों जब यूरिन पास नहीं करते तो यूरिन जो है वो प्रेशर डालता है उस वाले पोर्शन पर, जिसकी वजह से नाइट फॉल का एक रीज़न ये भी बनता है। रात को सोने से पहले आपको यूरिन पास करके सोना चाहिए। तीसरी पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, नाइट फॉल का जो मेन रीज़न है बॉडी में गर्मी का होना है। दोस्तों बॉडी में अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो जिसकी वजह से नाइट फॉल होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अपने शरीर की गर्मी को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले आप नहा लें, अगर नहा नहीं सकते तो आप अपना चेहरा धो लें या अपने पैरों को धो लें। रात को सोने से पहले अपने पैरों पर तेल की मालिश कर लें या फिर दोस्तों आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी की जो गर्मी है वो निकलेगी और आप अपनी बॉडी पर कंसंट्रेट करेंगे, जिसकी वजह से आप नाइट फॉल से बच सकते हैं। दोस्तों चौथा और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रात में पोर्न कंटेंट देखना। दोस्तों रात भर आपने पोर्न कंटेंट देखा, गलत पिक्चरें देखी, गलत चीज़ें देखी, जिसकी वजह से आपके अंदर तनाव इतना ज़्यादा आ जाता है कि रात में नाइट फॉल का रीज़न बनता है, आपको पता ही नहीं चलता और नाइट फॉल हो जाता है। तो दोस्तों आपको गलत कंटेंट से बचना है, गलत चीज़ें नहीं देखनी है। रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले फ़ोन का यूज़ छोड़ देना है और अच्छी किताब आप पढ़ सकते हैं, अच्छी चीज़ आप देख सकते हैं। तो आपको अगर नाइट फॉल से बचना है तो गलत कंटेंट से बचना पड़ेगा, पोर्न वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हस्त मैथुन हैंड जॉब अगर आप ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा करने की वजह से जो आपकी नसें हैं वो लचीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से नाइट फॉल होने लग जाता है, ये भी एक संभावना होती है। तो इसलिए आपको ना तो पोर्न कंटेंट देखेंगे और ना आप हैंड जॉब करेंगे, जिसकी वजह से आप इससे दूर हो सकते हैं। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों आप इनको फॉलो करें और फिर आप देखें आप इस चीज़ से ओवरकम कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।